हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 8 फेब के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वेट कीजिएगा एक मिनट, जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज डीजी ट्रेवल फैसिलिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री बाय मार्च 2023। तो 2023 तक, मार्च के महीने तक, ठीक है, मार्च 2023 तक कितने एयरपोर्ट्स में डिजी ट्रेवल फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो आंसर होगा 4। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इस मार्च तक, 2023 तक डिजी यात्रा विल बी इम्प्लीमेंटेड एट कलकत्ता, पुणे, विजयवाड़ा एंड हैदराबाद एयरपोर्ट्स। ठीक है जी, अब डिजी यात्रा पॉलिसी जो है इज एन इनिशिएटिव फॉर बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम एट एयरपोर्ट्स यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, क्या है डिजी यात्रा पॉलिसी? ये एक इनिशिएटिव है, बायोमेट्रिक बोर्डिंग होगी, बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम होगा सारे एयरपोर्ट्स पे, ये जितने भी हैं, ठीक है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेड डिजी यात्रा विल बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल एयरपोर्ट्स इन द फेज्ड मैनर, सभी में लगेगा, बट इस बार अभी मार्च 2023 तक 4 एयरपोर्ट्स में लगेगा ये। ठीक है जी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज कलकत्ता, पुणे, विजयवाड़ा एंड हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज रिलेटेड टू विच कंट्री मिनिस्ट्री? जो एग्रीकल्चर एंड प्रपोज्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक वर्चुअल बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है जी, टू टैप द अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, एपीडा इज एन एक्सपर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन बॉडी ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन बॉडी कौन सा है? एपीडा। ओके, और इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री, विच कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड एज द मेन कंट्री फॉर द 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा, क्या प्रॉब्लम है। विच कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड एज द मेन कंट्री फॉर द 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? तो वो कौन सा है? दैट इज इंडिया। ओके, इंडिया, इंडिया हैज बीन इन्वाइटेड एज द मेन कंट्री फॉर द 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? ये मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर स्टार्ट 1933 में हो गया था, बट इस बार जो हो रहा है इसमें किसको इन्वाइट किया गया है मेन कंट्री के रूप में? दैट इज इंडिया। द स्कोप ऑफ मैड्रिड बुक फेयर इज इंटरनेशनल ऑल थ्रू इट्स मेनली फीचर बुक्स फ्रॉम द स्पेनिश लैंग्वेज कंट्रीज। द इवेंट ऑल्सो प्रमोट द लिटरेचर फॉर द गेस्ट कंट्री विच मे स्पीक अनदर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमृत धरोहर योजना इज रिलेटेड टू विच कंट्री? जो अमृत धरोहर योजना है ये कौन सी कंट्री से, सॉरी कंट्री नहीं होएगा, ठीक है जी, कौन सी मिनिस्ट्री होएगा यहाँ पे, कौन सा डिपार्टमेंट? तो रिसेंटली जो अमृत धरोहर है वो किससे रिलेटेड है? रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अमृत धरोहर योजना। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अमृत धरोहर योजना को। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू कंजर्व वेटलैंड बाई प्रमोटिंग देयर ऑप्टिमम यूज। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। द स्कीम विल इन्हांस इको टूरिज्म एंड कार्बन स्टॉक विच ऑल्सो हेल्पिंग लोकल कम्युनिटीज इन देयर इनकम जनरेशन। तो आंसर क्या है इसका? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से ये रिलेटेड है। ठीक है, अमृत धरोहर इसमें क्या है कि वेटलैंड्स जितने भी हैं हमारे, ठीक है जी, उनको कंजर्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉक्सकॉन वेदांता प्लांट टेक अप द एसटीएम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच कंट्री। तो आंसर होगा यहां पे इंडिया। ठीक है जी। अब फॉक्सकॉन एंड वेदांता जो ग्रुप है आर क्लोज टू ऑन ओन बोर्डिंग यूरोपियन चिप मेकर एसटीएम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर इन देयर प्रपोज्ड सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। फॉक्सकॉन विल बी द लीड पार्टनर इन द जॉइंट वेंचर अनाउंस्ड लास्ट फेब्रवरी। वेदांता फॉक्सकॉन कंसोर्टियम इज वन ऑफ फाइव एप्लीकेंट्स सीकिंग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स अंडर $10 billion पैकेज अनाउंस्ड इन December 2021 टू बूस्ट डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये फॉक्सकॉन और वेदांता प्लान जो है ये एसटीएम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी कंट्री में प्लान कर रहे हैं, दैट इज इंडिया। ओके नेक्स्ट आ जाए तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर। तो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का फर्स्ट सीईओ कौन बना है, दैट इज माधवेंद्र सिंह। तो इनको सबसे पहला सीईओ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का, ठीक है, बाय गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज ऑपरेशन सद्भावना बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। सद्भावना जो ऑपरेशन है सद्भावना, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, तो आंसर होगा लद्दाख। इस बार लद्दाख में ये सद्भावना ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। इंडियन आर्मी इज कैरिंग आउट सेवरल वेलफेयर एक्टिविटीज एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, दीज एक्टिविटीज क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, रनिंग ऑफ सद्भावना स्कूल्स बाय द आर्मी। ठीक है, स्कूल्स आर्मी के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन टूर्स। ऑपरेशन सद्भावना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के जो दूर दराज के लोग रहते हैं उनके लिए, बच्चे जो हैं मेनली चिल्ड्रन के लिए है ये। ठीक है जी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड देम क्वालिटी एजुकेशन, मेनली एजुकेशन, और लद्दाख में ही है ये सद्भावना ऑपरेशन। वट इज पैरिस क्लब, अभी पैरिस क्लब क्या चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज। ठीक है जी, पैरिस क्लब क्या है, विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एश्योरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन श्रीलंका डेब्ट। द पैरिस क्लब इज अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज। इट वॉज इस्टाब्लिश्ड इन द ईयर 1956 टू सॉल्व द डेब्ट प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज। ठीक है, अब पैरिस क्लब क्या है, ग्रुप ऑफ वेस्टर्न क्रेडिटर कंपनीज हैं जो कि पैसा देती हैं। ठीक है जी, उन कंट्रीज का ग्रुप है ये। नेक्स्ट आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च फ्लैटली रिफ्यूज टू इंक्लूड विच डायनेस्टीज इन वन ऑफ इट्स मिडिवल इंडियन डायनेस्टी एग्जीबिशन। तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसने मना कर दिया है कि हम उस डायनेस्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे मिडिवल इंडिया डायनेस्टी एग्जीबिशन में। तो इसको कौन सी है वो, दैट इज मुस्लिम डायनेस्टी। एग्जीबिशन हाईलाइट करेगा 15 डिफरेंट डायनेस्टीज को और नॉट मेकिंग मुस्लिम डायनेस्टी बहामनी एंड आदित्य शाही पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन। IHCR मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर उमेश अशोक कदम सेड ही डज नॉट कंसीडर मुस्लिम डायनेस्टीज एज इंडियन डायनेस्टीज। ठीक है जी, इन द मिडिवल पीरियड इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी केम टू इंडिया एंड अपरूटेड द सिविलाइजेशन एंड डिस्ट्रॉयड द नॉलेज सिस्टम। तो मुस्लिम डायनेस्टी को इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है जी, और उसी के साथ जो नॉट मेकिंग मुस्लिम डायनेस्टीज बहामनी एंड आदित्य शाही अ पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन, तो इनको क्या है, नहीं बनाया गया पार्ट ऑफ एग्जीबिशन। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री। जो इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये एक इनिशिएटिव है, ये इंडिया और कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है अमेरिका और इंडिया से। ठीक है जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है हमारे, अजीत डोभाल। वो अमेरिकन काउंटर पार्ट जेक सुलिवन से मिले। इन दिस मीटिंग डिस्कशंस वर हेल्ड बिटवीन द टू ऑन स्टेटिंग द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वॉज इनबिल्ड बाय द यूएस प्रेजिडेंट एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्वाड लीडर समिट इन टोक्यो। ओके,
तो ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? इंडिया और यूएसए से. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.